हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के नाइस फ्रेंड्स। आज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर यूपीपीएससी पे जो लाइव धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी हम कुछ छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं किस प्रकार का वहाँ पर लाइव धरना प्रदर्शन चल रहा है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं यूपीपीएससी पर धरना प्रदर्शन में क्या हो रहा है। विकल्प पर विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन सचिव साहब की स्थिति ये है, वो बेवफा महबूबा का नाम सुना आप लोगों ने जी, सेम कंडीशन वही है, इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल जी, अब महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल। वाह, कंडीशन है वर्तमान सचिव साहब की, कंडीशन यही है कि कहते तो बहुत कुछ करते कुछ नहीं। पिछले बार हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए थे, अंदर आप लोग भी थे मेरे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोक सेवा आयोग में उल्लुओं की फौज बैठी, एक उल्लू दूसरे उल्लू से पूछता कि भैया ये एलटी क्या है, ये एलटी मतलब पता ही नहीं कि एलटी है क्या। जब मैं गया, हमारे साथ शमशेर सिंह भी थे और दो तीन लोग थे, सचिव साहब से वार्ता हो रही थी, पहुंचे उसमें गोपन विभाग के हैं, विधि प्रकोष्ठ के मेन जो थे सब लोग आए, ऐसा लगा माहौल क्रिएट किया गया कि नहीं नहीं अब रिजल्ट देंगे, लेकिन बातचीत से यह लगा क्योंकि हमें पता नहीं था उस समय तक कि हम उल्लुओं से बात कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी यकीन होता कि नहीं लोक सेवा आयोग के सचिव जो है वर्तमान में मतलब एक उल्लुओं को देखें कि नहीं आप कभी है ना, और दूसरे हैं एकदम जैसे अगर पर्यायवाची अगर कोई पूछे मेरे भाई, उल्लुओं की पर्यायवाची तो उसमें एक और जोड़ दीजिएगा, एक और नया हो गया लोक सेवा आयोग के सचिव उल्लुओं की पर्यायवाची में पहला एक और जो है जुड़ गया लोक सेवा आयोग के सचिव, क्योंकि लगातार हम लोगों ने आपसे मिन्नते की, आपसे मोहब्बत से पेश आए, हर बार हमने मोहब्बत से ये समझने और समझाने की कोशिश की कि मेरे भाई हम लोगों ने एग्जाम दिया है, रिजल्ट दे दिया, और रिजल्ट लेने का सबसे बड़ा एक आधार ये भी बनता है मेरे भाई, और हमारे फायदे की बात है, अगर रिजल्ट आ जाता समय से तो ये 10,000 लोगों को नौकरी मिलती मेरे भाई, और जब 10,000 लोगों को नौकरी मिलती, ये सुपर ब्रिलियंट लड़के हमारे प्रतियोगी भाई हैं जो यहाँ से चले जाते, तो जो निचले पायदान का गरीब आदमी है वो 8-9 मार्च को टीजीटी से नौकरी पा जाता कि नहीं। तो आप ये चाहते हो कि एक ही आदमी तीन तीन जगह नौकरी करे, टीजीटी भी दे, टीजीटी 11 का इंटरव्यू चल रहा है अभी, उसमें भी चयनित हो, 16 में भी चयनित हो, एलटी में भी चयनित हो, और बचा कुछ है अगर कुछ थोड़ा बहुत तो 69,000 में भी चयनित हो। चार जगह नौकरी लेके फिर ऑप्शन सोचे, बगल में बीबी को बिठा ले, मेरी जान बताओ कौन सी नौकरी करे। तो बीबी भी कही कितना ब्रिलियंट से शादी हो गई, हम तो सोचे कि ये कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी, ये बंदा तो चार चार नौकरी लेके मुझसे पूछ रहा कौन सी करे। और हमारी कंडीशन क्या है कि हम लोग एक नौकरी के लिए तरस, किसी के पास चार नौकरी है।